हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय ब्लॉग। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं कुछ बना रही हूँ। ये मीठे वाले गुलगुले हैं, मुझे काफ़ी पसंद है, इनको भी काफ़ी पसंद है। इन्होंने मेरे से बोला कि मीठे वाले गुलगुले बना लो, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं मीठे वाले गुलगुले, और वही मैं बना रही हूँ। चलिए फिर मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ और मैंने मीठे वाले गुलगुले बनाए, आपने देखा ही, मुझे काफ़ी पसंद है। और अभी दोपहर हो गई है, अब लंच का टाइम है, मुझे लंच बनाना है। और आज संडे है, देखते हैं क्या बनता है। आज तो ये भी घर पे है तो कुछ ना कुछ बनेगा। वैसे तो सुबह बन जाता है क्योंकि टिफ़िन लेके जाते हैं। और अभी तो बाबू सो रहा है, उसकी मसाज वगैरह हो गई है, अभी उसको नहलाना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो उठ जाए तो उसे नहला दें। फिर चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और मैं बाहर आई हूँ, कितनी गर्मी है आपको मेरे फेस से समझ आ रहा होगा कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बादल भी हो रखा है बट गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ कितनी गर्मी है, देखिए बादल है बट गर्मी में कोई कमी नहीं है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत उमस वाली गर्मी है। चलिए अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, और एसी से निकलो तो बाहर और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर मैं अंदर जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और मैं अभी हूँ किचन में, मैं जा रही हूँ अपना लंच बनाने। और लंच में आज मैंने डिसाइड किया है मलाई कोफ्ता बनाने के लिए, मैंने कभी बनाया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम बनाऊँगी। और ये मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया है, मुझे उसी ने रेसिपी थोड़ा सा बताया और थोड़ा सा मैं इधर उधर देख के, तो चलिए बनाते हैं। फिर कैसा बनता है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। चलो फिर मैं अपना लंच बना लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बाबू को नहलाया और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा हैवी कर लिया था, तो फिर थोड़ा सा लेट में ही खाएँगे। और अभी मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मलाई कोफ्ते, तो मैं ये थोड़े से खड़े मसाले हैं, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची और थोड़ा सा जीरा मैं इस पैन में डाल रही हूँ। थोड़ा सा जीरा को भुनने देंगे और उसके बाद हम डालते हैं अपना ये रफली किया हुआ प्याज, हम डालते हैं इसमें टमाटर, प्याज और टमाटर को हल्का से पका लेंगे। ये मैं हरी इलायची डालना भूल गई थी तो मैं इनको अब ऐड कर रही हूँ, और मैं थोड़ा सा इनको पकाऊँगी, इनका कच्चापन हटाऊँगी। और ये मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, प्यूरी बना ली है ग्रेवी बनाने के लिए, और मैंने अपने कोफ्ते भी बना लिए हैं, इनको आलू और पनीर मिक्स करके अच्छे से बनाया है गोल्डन ब्राउन। इसमें पहले मैंने थोड़ा सा एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद मैंने अपनी एक प्यूरी डाल दी है, और अब इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। ये मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको। आप लोग देख सकते हैं मेरा मलाई कोफ्ता बन के रेडी है। हाय गाइस, और आप लोग देख सकते हैं बाबू को नींद आ रही है, वो ऊँ कर रहा है, तो मैं इसको सुला देती हूँ और मैं अपने वीडियो का यहीं से करूँगी एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, इशित बाय करो, बाय कर लो मैं टू, बाय।